हेलो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम लोग एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वोल्टास बैको का रेफ्रिजरेटर। तो वोल्टास बैको के रेफ्रिजरेटर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स। तो रेफ्रिजरेटर के अंदर कौन कौन से मोड होते हैं और कौन से मोड कब यूज़ करे जाते हैं और कैसे यूज़ करे जाते हैं, ये सारी बातें हम लोग वीडियो में करेंगे। तो फ्रेंड्स, तो मेरा नाम समीर जुनेद है, मेरा चैनल है टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप टेक्निकल से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास वोल्टास बैको की रेफ्रिजरेटर है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, इसका डिस्प्ले ये है। तो इस डिस्प्ले के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, इसे कैसे यूज़ करना है और कौन कौन से बटन है, तो कौन कौन से इसके अंदर मोड है, वो सारे मोड के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ। तो फ्रेंड्स, ये है फ्रिज का डिस्प्ले जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपको दिख रहा होगा क्विक फ्रिज और क्विक कूल। क्विक फ्रिज जो है फ्रीज़र का कंपार्टमेंट है और क्विक कूल फ्रिज का कंपार्टमेंट है। तो ये ऊपर का कंपार्टमेंट है जो फ्रीज़र है और नीचे कंपार्टमेंट क्विक कूल जो फ्रिज है। तो पहले हम लोग खुद फ्रीज़र के बारे में बात करते हैं, ऊपर के कंपार्टमेंट कितना टेम्परेचर सेट कर सकते हैं और कितना टेम्परेचर हमें सेट करना चाहिए, वो सारी बातें हम लोग करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा -16 से लेकर -24 तक हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं ऊपर के कंपार्टमेंट में। ऊपर के कंपार्टमेंट में हम -16 से लेकर -24 तक टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम प्लस या माइनस घटा बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा सर्किल है, यहाँ पे ब्लैक वाला बना है। तो यहाँ पे आप लोग प्रेस करके घटा बढ़ा सकते हैं टेम्परेचर को, जो आप रखना चाहते हैं। तो अगर हम -16 करते हैं तो ये इकोनॉमिक मोड पे चला जाता है। इकोनॉमिक मोड पे जाने का मतलब ये होता है कि बिजली कंप्रेसर बहुत ही कम बिजली कंज्यूम करता है, जिससे कि अच्छी कूलिंग भी रहती है और बिजली का कंजप्शन भी हमारा कम होता है। और इसी की बात करते हैं तो उसी के बगल में देख लें आप साइड में यहाँ पे लिखा है क्विक फ्रीज। क्विक फ्रीज का मतलब होता है क्विक, कि आप नाम से ही समझ रहे हो क्विक फ्रीज, तो क्विक मतलब होता है जल्दी। तो बहुत ही फास्ट कूलिंग के लिए हम क्विक फ्रीज का कूल यूज़ कर सकते हैं। कब यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं बताते हैं। माना कि फ्रेंड्स हमारे यहाँ कोई गेस्ट आ जाते हैं और हम लोग सामान एक्स्ट्रा लेके आते हैं और हमें जल्द से जल्द उसे ठंडा करना होता है, तो उसे समय में हम क्या करें, तो उस समय में हम यही कर सकते हैं, क्विक फ्रीज को ऑप्शन को हम क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको राइट लाइट दिखे, यहाँ पे लाइट दिख रही है ब्लू कलर की, ये लाइट एक्टिवेट हो जाएगी जिससे कि हमारा क्विक फ्रीज का जो मोड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। डिस्प्ले पर कोई भी सिंबल नहीं है, कोई भी लाइट, कोई भी डिजिट पर लाइट नहीं है, जिससे कि ये डिजिट पर चल रही है फ्रीज। तो ये सारी डिजिट से भी ज़्यादा फास्ट कंप्रेसर चलने लगता है, कंप्रेसर अपना आरपीएम बढ़ा लेता है, जिससे कि और तेज़ी कूलिंग होने लगती है। तो इस मोड को भी हम यूज़ कर सकते हैं जब हमारे यहाँ गेस्ट ज़्यादा हो या हमें ज़्यादा जल्दी कूलिंग चाहिए। तो इस मोड को हटाते हैं। अगर यहाँ पे ये फ्रीज़र की बात हो गई, अब हम लोग फ्रिज के कंपार्टमेंट आते हैं। तो फ्रिज पे भी यही कंपार्ट यूज़ करता है क्विक कूल। ज़्यादा जल्दी हमें सामान ठंडा करना है या बहुत जल्दी हमें ठंडा करना है सामान, तो हम क्विक कूल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने जैसे ही प्रेस किया तो येलो कलर की लाइट जल गई, जिससे कि हमारा मोड एक्टिवेट हो गया है और फास्ट कूलिंग करना शुरू हो गया। दोनों कंपार्टमेंट में हम अलग अलग यूज़ कर सकते हैं। जो कंपार्टमेंट में हमें ज़रूरत है ज़्यादा कूलिंग की, वो कंपार्टमेंट हम सेलेक्ट करके ज़्यादा कूलिंग ले सकते हैं। फ्रीज़र पे चाहिए तो हम फ्रीज़र पे कूलिंग बढ़ा सकते हैं, कूल पे फ्रीज में चाहिए तो हम फ्रीज के कंपार्टमेंट में कूलिंग बढ़ा सकते हैं। फ्रीज की बात करें तो नीचे कंपार्टमेंट की अगर हम बात करें पहले, तो 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री तक हम टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, जो आपको ज़रूरत पड़े। बीच का टेम्परेचर 4 डिग्री या 4 डिग्री पर रख के भी अच्छे से चला सकते हैं फ्रीज। जो नॉर्मल टेम्परेचर है मस्त बना के रखेगा, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम, कोई सामान आपका ख़राब नहीं होगा। अगर आपको और ज़्यादा कूलिंग की ज़रूरत है तो आप 8 डिग्री भी कूलिंग बढ़ा सकते हैं। जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते चले जाएंगे, उतनी ही ज़्यादा कूलिंग आपके फ्रिज में होती रहेगी। पे आप लोग घटा बढ़ा सकते हैं टेम्परेचर, यहाँ से जैसे कि मैंने उसमें दिखाया था, वैसे ही यहाँ पे भी आप टेम्परेचर को घटा बढ़ा सकते हैं जो आपको टेम्परेचर चाहिए। सबसे बेस्ट मोड जो बोलती है वोल्टास बैको, सबसे अच्छा मोड इसके अंदर यही है वेकेशन मोड, जो किसी भी ब्रांड के अंदर अभी तो फिलहाल नहीं आता है, हो सकता है आगे दे। तो वेकेशन मोड की बात करते हैं फ्रेंड। तो वेकेशन मोड, यहाँ पे आपको छतरी दिख रही है, ये जो प्लस माइनस का बटन है इसे 3 सेकंड तक प्रेस करके रखना है। जैसे 3 सेकंड प्रेस करके रखा, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वेकेशन मोड एक्टिवेट हो गया। इस यहाँ पे जो छतरी बनी है, इस मोड को हम लोग वेकेशन मोड बोलते हैं। वेकेशन मोड का मतलब क्या है, वेकेशन मोड यूज़ क्यों करें, बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे आप लोग को वीडियो अगर देख रहे हैं। तो मैं सारी बातें आपको बताऊँगा वेकेशन मोड क्या है और क्यों यूज़ करते हैं। वेकेशन मोड होता क्या है फ्रेंड, एक्चुअली में देखा जाए तो बहुत से फ्रिज में, अगर हमें भी दिक्कत होती है, अगर हमारे यहाँ भी फ्रिज है तो हम लोग फ्रिज यूज़ करते हैं। अगर हमें कहीं बाहर जाना होता है या तो फ्रिज बंद करके रखते हैं। अगर फ्रिज बंद करके हम रखते हैं तो हमारे सारे जो सामान रखे होते हैं सारे के सारे ख़राब हो जाते हैं। अगर हम चालू करके रखते हैं तो बिजली का बिल आता ही रहता है, हम यूज़ करें या ना करें फ्रिज हमारी चलती रहती है और बिजली का बिल आता रहता है। तो इस वेकेशन मोड में क्या होता है फ्रेंड्स, हमारी फ्रिज तो चलती है बट उसका बिजली का बिल कंजप्शन बहुत ही कम हो जाता है।
बहुत ही कम हो जाता है। और एक चीज़ और फ्रेंड्स, सॉरी बताना भूल गया था, अगर हम लोग नॉर्मल फ्रिज में बंद कर देते हैं, बंद करके जाते हैं, तो बहुत सारी स्मेल भी आ जाती है, जिससे कि हमारे फ्रिज बहुत ज़्यादा बदबू करने लगते हैं, बदबू अजीब सी गंदी आने लगती है, तो उस फ्रिज में हम लोग को दिक्कत होने लगती है। तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती रहती है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो उसको आने के बाद साफ़ करो, सफाई करो, बहुत सारा काम बढ़ जाता है हमारे लिए। तो जब वेकेशन मोड हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं ना इस फ्रिज के अंदर, इस मॉडल के अंदर अगर हम वेकेशन मोड एक्टिवेट करते हैं, वोल्टास देखो मैं सभी में आ रहा है वेकेशन मोड, अगर हम वेकेशन मोड एक्टिवेट करते हैं तो क्या होता है, ऊपर का फ्रीजर का जो हमारा कंपार्टमेंट है वो चलता रहता है, और फ्रिज जो हमारा फ्रिज का कंपार्टमेंट है वो पूरी तरह से बंद हो जाता है। उसके अंदर इतना टेम्परेचर अचीव करके रखता है कि आपके फ्रिज से स्मेल जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती, और आप कोई सामान नहीं रख सकते फिलहाल, तो सामान के लिए इतना टेम्परेचर, अगर सामान आप रखेंगे तो उसके लिए आपको टेम्परेचर देना होगा। आपके पास अगर थोड़ा सा सामान है तो आप ऊपर के कंपार्टमेंट में सामान रख सकते हैं, फ्रीज़र के कंपार्टमेंट में सारा सामान रख के और अपने फ्रिज को आप चालू करके जा सकते हैं कहीं भी जाना हो, तो ये वेकेशन मोड एक्टिवेट रहेगा और आपका बिजली का बिल बहुत ही कम आएगा। 100-16 पे चलेगी फ्रिज, और आपको पता ही है फ्रीज़र का कंपार्टमेंट बहुत छोटा सा होता है, तो जल्दी ही टेम्परेचर अचीव करके टेम्परेचर बंद हो जाएगा, तो आपके बिजली का बिल भी बहुत ही कम आएगा। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो अगर पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। और फ्रेंड्स हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, गुड डे।